नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बदहाली के आंसू रो रहा ये गांव, करीब एक साल पहले इस गांव को नगरपालिका में जोड़ा गया था, लेकिन अभी तक इस गांव में किसी तरह की कोई नगरपालिका की सुविधा नहीं पहुंची। गांववासी गंदगी से जूझ रहे हैं। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र से जसौली गाँव में प्रधानी के चुनाव खत्म होने के बाद नगरपालिका में ये गाँव जोड़ा गया था। नगरपालिका में जुड़ने के बाद अभी तक इस गांव का कार्य नगरपालिका ने नहीं कराया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां की गंदगी खुद साफ करते हैं। पहले दो प्रधान द्वारा गांव में साफ सफाई की जाती थी, जब से ये गांव नगरपालिका से जुड़ा है तब से अभी तक यहां पर कोई सफाई कर्मी नहीं आता है। कहीं ना कहीं नगरपालिका से कुछ कार्य इस गाँव को भी नहीं सौंप पा रहे। गाँव बधाई के आंसू रो रहा है। कन्नौज जिला संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। आमिर जी, इस गांव में गंदगी पड़ी है, नालियां भरी हैं, ये सफाई क्यों नहीं हो पा रही, क्या वजह है? ये ऐसा है, गांव नगर पालिका में लगा एक साल हुआ लगभग, प्रधानी का इलेक्शन हुआ नहीं, उससे पहले सफाई होती थी, जब से नगर पालिका में लगा जब से सफाई का कुछ नहीं है, कोई सफाई कर्मी नहीं आता। तो लोग अपने अपने दरवाजे थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं, खुद से सफाई करते हैं। कौन सा गाँव है ये? आपका हसन ने कहा इस गांव में सफाई होती कि नहीं होती? अरे साहब, इधर तो कतई नहीं होती, हमारी तरफ कतई। कब से नहीं हो रही? काफी दिन हो गए साहब। मतलब कितना टाइम? प्रधान के बाद से कोई कई महीने हो गए। प्रधानिक चुनाव नहीं, क्यों नहीं हुए थे? वो कहने लगे कि जसौली गांव जो है ग्राम सभा में आ गया है नगर पालिका में, इसलिए जो है मतलब इधर कोई सफाई नहीं हुई। अभी नगर पालिका की तरफ से कोई यहाँ पर काम नहीं शुरू हुआ? कोई काम नहीं हुआ, कई महीने हो गए लगभग। अब ये साहब नए में कुछ यहाँ कुछ सफाई करते हैं साहब, एक दिन आए थे तीन चार आदमी, ये नाली इधर की कवर करी गए थे जहाँ तक बस। सफाई किस तरीके से यहाँ पर होती है? अब पहले बहुत बेहतरीन होती थी साहब। नहीं, अब सफाई कौन करता है यहाँ? अब कोई साहब करने वाला नहीं, तो आप लोग खुद करते हैं अपने आप दरवाजे पर, अपने अपने दरवाजे। इस बात को लेकर नगर पालिका कोई गया या बातचीत की नगर पालिका अधिकारियों से? कोई ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे तेजस 24 न्यूज।